exciting news. ठीक है जी, अब है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में देखेंगे कि कैसे नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होती है, दो वेव्स कैसे सुपर इम्पोज होती है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कैसे होता है, उसका वन एंड क्लोज होता है, तो ये वाला एंड क्लोज ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू एल वाला एंड जो है वो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्लोज ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसा भी जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो सकता है, वन एंड क्लोज हो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अगर वेव ऐसे जा रही है तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये रिजिड की तरह काम करेगा, जहां से वेव ने क्या करना है, टकराना है, रिजिड। और अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, तो लेट एक्स इक्वल टू जीरो पे ऐसे और एक्स इक्वल टू एल पे ऐसे, तो जाने वाली वेव ऐसे जा रही है, और क्योंकि ये क्या है, एक ओपन सरफेस है, तो आने वाली ऐसे ही आएगी, क्योंकि वो क्या है, एक ओपन सरफेस है। ओपन है तो मतलब रिवर्स नहीं होगा, फेज डिफरेंस पाई नहीं होएगा। तो जाने वाली इक्वेशन को मैंने ले लिया, जाने वाली वेव की इक्वेशन y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वापिस आने वाली ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ओपन एंड है इसलिए फेज रिवर्स नहीं हुआ, अगर ये वाला केस लेता तो रिवर्स हो जाता। y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए कॉमन ले लो, प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर एक भी एंड क्लोज हो, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसमें फेज रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब इसका साइन क्या होएगा, माइनस। अगर एक भी एंड क्लोज हो तो, अगर एक भी एंड क्या हो, क्लोज, चाहे x इक्वल टू जीरो मैं ये वाला ले लूँ, चाहे ये वाला डायग्राम ले लूँ, अगर एक भी एंड क्लोज है तो फेज रिवर्सिबल क्या होता है, मतलब जाने वाली की क्वेश्चन ये है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, आने वाली की क्वेश्चन क्या है, ये वाली माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस माइनस तो एक्सेस के लिए। तो इस वाले में अगर हम माइनस ए कॉमन ले लें तो प्लस वाली टर्म पहले हो जाएगी और माइनस वाली टर्म बाद में हो जाएगी। अब इस पे फिर से आइडेंटिटी लगा देते हैं, यूजिंग साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्या आइडेंटिटी होती थी, टू कॉस ए साइन बी। यानी अगर एक भी एंड रिजिड है तो ये रिवर्स फेस रिवर्सिबल बोलते हैं इसको, पाई फेस हो जाता है, मतलब अगर एक भी एंड रिवर्सिबल है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में फेज एंगल कितना होता है, पाई, इसलिए माइनस साइन लगता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या बना, वाई का आंसर कितना आ गया, टू ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। अब हमें पता है कॉस ओमेगा टी को छोड़ के सारा का सारा एम्पलीट्यूड है, टू ए साइन के एक्स इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब ये एम्पलीट्यूड उस ओपन एंड पे मैक्सिमम होएगा, ओपन एंड पे क्या होएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 2a साइन के एक्स इज मैक्सिमम एट, x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल पे ये मैक्सिमम होएगा। तो मतलब 2a साइन के एल, अगर x को मैं l डाल दूँ तो इसकी वैल्यू एक बार प्लस वन आनी चाहिए, एक बार क्या आनी चाहिए, माइनस वन आनी चाहिए, मैक्सिमम का मतलब यही है। साइन कहाँ पे प्लस वन कहाँ पे माइनस वन होएगा, जब साइन की वैल्यू जो हो ये हो जाए साइन 2n माइनस वन पाई बाई टू पे, n की वैल्यू 1 डालें तो, n की वैल्यू 0 डालें तो कितना आएगा, माइनस साइन पाई बाई टू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 1 डालेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई टू, तो 1 आ जाएगा, जब 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई टू, फिर से वो नीचे आ चल, पाई बाई टू पे 90, 3 पाई बाई टू पे माइनस वन, फिर 9 ऐसे प्लस वन माइनस वन आता रहेगा। ठीक है, कहाँ पे वैल्यू होती है इसकी, ये एंगल्स को कंपेयर कर लो आप,
ठीक है जी। तो एंगल कंपेयर करें, के एल इक्वल टू आ गया हमारे पास 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, एल इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यहाँ से पाई कैंसिल, सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2 है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4l डिवाइड बाई 2n माइनस 1। क्वेश्चन 1, इक्वेशन 2, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, nth फ्रीक्वेंसी, न्यू n इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाई वेवलेंथ, वेवलेंथ ये आई है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड बाई वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को डालूंगा तो ये 2n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 4l इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, अंडर रूट गामा पी बाई रो, क्योंकि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसके अंदर मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर में स्पीड वेव की बताई थी कितनी होती है, गामा पी बाई रो, लैपलेस का फॉर्मूला होता है। इक्वेशन नंबर 3, अब निकलेंगे नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हमें पता है कि जो वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है वो ऐसा है, यहाँ पे या उस तरफ ले सकते हो, इस तरफ ऐसे बना लो चाहे वैसे बना लो, ऐसे बनाया था हमने, तो इस डायरेक्शन में x जीरो है, यहाँ पे x इक्वल टू l है, तो यहाँ मैक्सिमम बनेगी वेव और यहाँ टकराएगी मिनिमम, ठीक है। तो अगर कोई भी जाने वाली वेव है तो वो अगर ऐसे जा रही है तो x इक्वल टू l पे उसका मैक्सिमम बनेगा क्योंकि ओपन एंड है, और यहाँ पे मिनिमम बनेगा, ऐसी कोई वेव बनेगी, अभी सभी मोड के लिए अलग अलग बनेगा। फर्स्ट मोड के लिए n की वैल्यू 1 डालते हैं, n इक्वल टू 1, इक्वेशन किस में डालते हैं, लेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 1 एंड 3, तो लेंथ बताओ कितनी आई, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालो, 1 डालेंगे तो 2 लैम्डा बाई 4 बनेगा, और फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 1 डालेंगे 1 अपॉन 4l अंडर रूट गामा पी बाई रो। अब इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो हमें पता है ओपन एंड पे लैम्डा बाई 4 बन रहा है, और बनाना कितना मुझे लैम्डा बाई 4 ही बनाना है, तो ये ऐसे बन जाएगा बस, ओपन एंड पे लैम्डा बाई 4 बनना चाहिए, ये बन गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, ये पूरा क्रस्ट नहीं है, ठीक है, क्रस्ट होता तो ज्वाइन, लैम्डा बाई 4 है ये, इसी इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक के सेकंड मोड के लिए क्या करें, एन की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 टू 4 माइनस 1 3 लैम्डा बाई 4, और यहाँ पे 2 टू 4 माइनस 1 3 थ्राइस, सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 टाइम आ रही है फर्स्ट वाले की, सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट वन, इसीलिए इसको बोला जाएगा थर्ड हार्मोनिक। ये समझने वाली बात है, हार्मोनिक वो होते हैं कितना मल्टीपल है वो फर्स्ट वाले का, एन की वैल्यू क्या डाल रहे हो वो हार्मोनिक नहीं है, हार्मोनिक का पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी का कितना मल्टीपल है अगली फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाएगा इज कॉल्ड सेकंड हार्मोन, थर्ड हार्मोनिक, थ्री टाइम्स है ना, तो थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, नहीं थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, यहीं पे तो पहला बनेगा, फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा थर्ड मोड के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। अच्छा इसका डायग्राम देखो पहले कैसा बनना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 तो श्योर है कोने पे बनेगा,
3 लैम्डा बाई 4 कैसे आएगा, 3 लैम्डा बाई 4 कैसे आएगा, देखो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, अगर हम लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 करें तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 ये आ जाता है 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई ऐसे बन जाएगा, ये देखो लैम्डा बाई 4 ये वाला पोर्शन और ये लैम्डा बाई 2, तो ओवरऑल कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 4। थर्ड मोड के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दो, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन n इक्वल टू 3, तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2n माइनस 1 था ना वो, 3 टू जा 5 लैम्डा बाई 4, और फ्रीक्वेंसी 5 वाली कितनी आ जाएगी, थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसको बोलेंगे 5 न्यू 1, इसीलिए इसको बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, ओवरटोन इसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। तो अगर इसका डायग्राम हमने बनाना हो तो लेंथ कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 4, लेंथ आ रहा है लैम्डा बाई 4, तो 5 लैम्डा बाई 4 कैसे आएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, तो एक लैम्डा पूरा बनना चाहिए और फिर लैम्डा बाई 4 बनना चाहिए, तो ये बन जाएगा डायग्राम। देखो ये पूरा लैम्डा प्लस ये लैम्डा बाई 4, तो ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी 5 लैम्डा बाई 4। ऐसे ही nth हार्मोनिक निकल जाएगा और ओवरटोन।